हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल। अगर हम थ्री डायमेंशनल लेंगे यानी कि एक्स वाई और जेड, तो वो कंडीशन में हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो सकेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हम ये फिगर से समझने वाले हैं आज। तो ये जो वीडियो थी, इसके पहले की एक वीडियो थी जो जिसमें हमने देखा था कि कंटिन्यू इक्वेशन और पाइप फ्लो, यानी कि पाइप फ्लो के अंदर जब कंटिन्यूटी इक्वेशन और उसका जो प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो वो भी हमने देखा था। तो वो कंडीशन में जो रो था, यानी कि यहाँ पे जो रो था, ये रो हमने किस तरह से मान लिया था, रो वन इज इक्वल टू रो टू, यानी कि जो हमारा फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। और इसीलिए हम ये डायरेक्टली हमने मान लिया था कि ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, क्योंकि हर जगह पे हमारा जो डेंसिटी का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो अब लेने वाले हैं, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल फॉर्म में, हम रो कांस्टेंट नहीं लेने वाले। और दूसरी कई सारी कंडीशन है, उसमें एक ऐसी कंडीशन है कि ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये एलिमेंट की जो लेंथ है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, वो डी एक्स डी वाई और डी जेड है इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। और वो सारी जो लेंथ है उसमें हमारे जो एलिमेंट हो गए किसके, हमारे फ्लूड के, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हर एक डायरेक्शन के अंदर u, v और w होगी, यानी कि u फॉर x डायरेक्शन में, v फॉर y डायरेक्शन में और w फॉर z डायरेक्शन में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो ये हमारा फेस है a, b, c, d, a, b, c, d फेस पे सपोज हमारा मास एंटर हो रहा है इस तरफ से, इस तरफ से हमारा मास आया फ्लूड का और यहाँ पे ए बी सी डी के अंदर एंटर हुआ, तो जो मास एंटर होगा वो कितना होगा, तो मास इज इक्वल टू रो, रो यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वो हमें मालूम है। तो रो इज इक्वल टू रो, वो तो ऐसा ही रहेगा, पर जो हम वॉल्यूम लेंगे वो वॉल्यूम वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो दोनों वैल्यू को अगर हम मिला दें यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम से रिस्पेक्ट में लेके वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। तो वो कंडीशन में एक्स डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी की जो थी वो क्या थी, यू, तो यहाँ पे यू आएगा और एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू डी वाई इंटू डी जेड, ये डी वाई है और ये डी जेड है, तो ये ए बी सी डी का जो एरिया है वो यहाँ आएगा, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी और ये रो आएगा। तो ये वैल्यू हमें क्या बताती है, ये वैल्यू हमें बताती है कि मास ऑफ फ्लूड एंटरिंग द फेस ए बी सी डी पर सेकंड। अब हमने एंटरिंग नहीं तो बात की है, पर अब हम बात करेंगे कि जब फ्लूड एंटर हो गया, अब उसके बाद बाहर जो निकलता है तो वो कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि जो रो है यानी कि हमारी डेंसिटी वो कॉन्स्टेंट नहीं है, और वो वजह से जो भी एंटर अमाउंट ऑफ मास एक्स हुआ है वो बाहर जाएगा, तो इतना ही नहीं होगा। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक केस में हम ऐसा ले रहे हैं कि रो यानी कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, और दूसरे केस में हम ऐसा ले रहे हैं कि जो रो है वो हमारे कॉन्स्टेंट नहीं है। तो जब रो कॉन्स्टेंट होगी तब जितना अमाउंट ऑफ एंटर हुआ होगा मास, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ मास एंटर हुआ है, तो इतना ही बाहर निकल जाएगा। पर जब मास हमारा, सॉरी, रो यानी कि डेंसिटी अगर हमारी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो वो केस में सपोज एक्स अमाउंट ऑफ मास एंटर हुआ है, तो वो जब बाहर निकलेगा तब कंडीशन कुछ और हो जाएगी, यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल एक्स है, ये हमारी डायरेक्शन को इंक्लूड करता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है, तो एक्स वाली, तो डेल एक्स, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो है हमारा मास कितना आता है वो है। ठीक है, तो ये जो हमें पोर्शन है, ये पोर्शन हमें क्या बताता है, ये पोर्शन हमें ये बताता है कि एक्स अगर आपने अमाउंट ऑफ मास एंटर किया है तो इतना अमाउंट ऑफ मास ज्यादा बाहर भी निकलेगा और कम भी निकलेगा, वो हमें मालूम नहीं है कितना निकलेगा, कम भी निकल सकता है इतना अमाउंट ऑफ मास, और इतना अमाउंट ऑफ मास ज्यादा भी निकल सकता है। और इसीलिए हम जब मास ऑफ फ्लूड लिविंग द फेस
EFGH लिफ्ट से अगर मास बाहर निकलता है वो जब हम इंक्लूड करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो वो कंडीशन में इसके साथ ये बाहर निकलने वाला मास है, हमने इस तरह से जो इक्वेशन बनाया इसी तरह ये फेस में भी ये इक्वेशन आएगा, रो इंटू यू, यू हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा एरिया है, डी वाई इंटू डी जेड। तो इसके साथ हमें और एक वैल्यू डेल्टा एक्स की, यानी कि इसका हमको डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट करना है, और ये वैल्यू हमें ये बताती है कि सपोज आपने इतना अमाउंट ऑफ मास एंटर किया है तो उसका डेल एक्स, यानी कि थोड़ा अमाउंट ऑफ बाहर, थोड़ा अमाउंट ऑफ एड भी हो सकता है, थोड़ा अमाउंट ऑफ माइनस भी हो सकता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हो। तो ये दोनों को अगर हम मिला दें तो वो मास ऑफ फ्लूड लिविंग द फेस EFGH होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि टोटल गेन ऑफ मास इन एक्सेलरेशन, यहाँ पे जब जो हमने एलिमेंट लिया, सपोज हमने ये एलिमेंट लिया, ठीक है, तो ये एलिमेंट में सपोज एक्स अमाउंट ऑफ मास एंटर हुआ और सपोज वाई अमाउंट ऑफ मास निकल गया, तो ये एलिमेंट में कितना बचा, ठीक है, तो वो वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, दोनों का क्या करना होगा, माइनस करना होगा, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाले तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक ऐसी वैल्यू होगी गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो वो हमें इतनी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा तो लिखा है कि गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड है डेंसिटी किस तरह से वहां पे बिहेव करती है। ठीक है, तो ये हमारा गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन होगा। अब हमने बात की एक्स डायरेक्शन की, इसी तरह वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो वैल्यू मिलेगी वो इसी तरह इस तरह से मिलेगी, तो जो नेट गेन ऑफ मास है वो किस तरह से मिलेगा, जो तीनों वैल्यू मिली है एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए और जेड डायरेक्शन के लिए, तीनों को अगर हम मिला दिए तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी गेन ऑफ मास होगा फॉर दैट एलिमेंट, यानी कि कितना बचा हुआ है मास। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि मास ऑफ फ्लूड इन द एलिमेंट इन रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड एंड इट रेट ऑफ इंक्रीज विद टाइम इज ये वाला इक्वेशन। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये इक्वेशन किस तरह से हमको एक्सप्लेन करना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे जो सारी बात की, यहाँ पे हमने गेन ऑफ मास जो निकाला वो हमने स्पेस के अकॉर्डिंग निकाला, यहाँ पे हमने जो रिस्पेक्ट जो लिया वो हमारा डिस्टेंस था, यानी कि हमने सपोज एक्स वेक्टर के लिए लिया, वाई वेक्टर के लिए लिया, अब जेड वेक्टर के लिए लिया, तो तीन इक्वेशन मिले। ठीक है, तो अब हम ये जो वेरिएशन हमको मिला पर्टिकुलर स्पेस को रिस्पेक्ट में लेके, वही इक्वेशन हम यूज करेंगे टाइम को रिस्पेक्ट में लेकर। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि एक्स में यानी कि डिस्टेंस कितना उसका है, उसको वेरिएशन में लेके हमने बात की, तो अब हम बात करेंगे टाइम को रिस्पेक्ट में लेके, यानी कि यहाँ पे देखो मास ऑफ फ्लूड इन द एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो मास है इसकी बात है, ये मास है, तो एंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ इसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो कितना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्टली हमारा डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिली ना, ये वैल्यू स्पेस के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में थी और ये वैल्यू हमें टाइम के रिस्पेक्ट में मिलेगी, तो दोनों जो अलग अलग पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू निकाली। ये वैल्यू को अगर हम एक्सप्लेन करना है तो हम इस तरह से करेंगे कि डेल्टा टी टाइम में, जो डेल्टा टी टाइम है यहाँ पे सपोज हमने फ्लो किया पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम के लिए, तो वो डेल्टा टी टाइम के लिए जो वेरिएशन मिलेगा, ये वेरिएशन की वैल्यू क्या है, तो ये वेरिएशन की वैल्यू यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ये मिलेगी। तो यहाँ पे ओनली फॉर टाइम हमने लिया है, तो टाइम लेने की वजह से हम कोई थ्री टाइप्स में हम नहीं लिख सकते, यानी कि फॉर एक्स फॉर वाई फॉर जेड, ओनली यहाँ पे पैरामीटर क्या है, टी है, यानी कि टाइम टी के लिए ही हम ये अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन के लिए भी वैल्यू आएगी, वाई डायरेक्शन के लिए भी वैल्यू आएगी और जेड डायरेक्शन के लिए भी वैल्यू आएगी, क्योंकि जो स्पेस के कोऑर्डिनेट है वो थ्री वेक्टर में है और टाइम का जो हमारा वैल्यू है वो ओनली वन वेक्टर में ही है, तो यहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस आएगा। तो अब जो ये डिफरेंस मिला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो, और हमारा जो ये डिफरेंस मिला है यानी कि एक्स वाई और जेड वाल, तो तीनों को अगर हम मिला दिया जाए और जो फाइनल मिलेगा वो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको कैलकुलेट करने से ही काम नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट को समझना है हमें।
तो ये जो है वो रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये रिस्पेक्ट टू स्पेस के कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ पे सारे के सारे को अगर हम प्लस करके इसके साथ हम कंपैरिजन करें तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी कंजर्वेशन हो सकेगा। तो यहाँ पे इसको अगर लिखना है दूसरी कंडीशन में तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम कैलकुलेट करें आगे तब वो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बार स्टैंडर्ड का बच्चा भी है, कर सकता है। तो आगे हम जो ये इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और वो थ्री डायमेंशनल के लिए, यानी कि एक्स वाई और जेड डायमेंशनल के लिए, और वहां पे टाइम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन है जहां पे हमने रो यानी कि डेंसिटी को हमने कॉन्स्टेंट नहीं लिया है, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन को हम थ्री केस में लेंगे, यानी कि सपोज हमने ऐसा मान लिया कि हमारा जो फ्लो है वो स्टडी और अनस्टडी फ्लो होगा, तब क्या होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा तब क्या होगा, और कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूड होगा उसके लिए क्या होगा, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।